नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे खबरों की सिंगरौली से, जहां खनन माफिया का आतंक देखा जा रहा है। रेत माफिया ने ग्रामीण पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई है। फसल के नुकसान पर ट्रैक्टर चालक को रोका था। आरोपी पटेर नदी पर रेत खनन कर रहा था और इसी दौरान एक किसान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रेत माफिया ने इस ग्रामीण के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से किसान की मौत हो गई। फसल के नुकसान पर ट्रैक्टर चालक को इस किसान ने रोका था, लेकिन रेत माफिया ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। आरोपी पटेर नदी पर रेत खनन कर रहा था और इसी दौरान किसान ने इस रेत माफिया को, इस खनन माफिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन खनन माफिया ने आओ देखा ना ताओ और इस किसान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसकी वजह से किसान की मौत हो गई। किसान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान किसान की जान चली गई। तो सिंगरौली में इस वक्त खनन माफियाओं का आतंक देखा जा रहा है। रेत माफिया के हमले पर बोले कमलेश्वर पटेल, किसान पर हमले के लिए प्रशासन जिम्मेदार, आरोपियों को बचाने में जुटा है शासन और प्रशासन। बीजेपी विधायक का खास है रेत माफिया, पुलिस खनन विभाग मौन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की स्थिति बन सकती है। सिंगरौली में नदी को छलनी किया जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये आरोप कमलेश्वर पटेल की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान पर जो हमला हुआ, किसान की जो जान गई, इसका सीधा सीधा प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि शासन और प्रशासन आरोपियों को बचा रहा है। और यह भी आरोप लगाया गया है कमलेश्वर पटेल की तरफ से कि जो रेत माफिया है वो बीजेपी विधायक का खास है। पुलिस और खनन विभाग इस मामले में पूरी तरह मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह भी आरोप लगाया गया। और साथ ही साथ कमलेश्वर पटेल की तरफ से कहा गया है कि अगर न्याय नहीं मिलता है इस मामले में तो आंदोलन की स्थिति भी आने वाले वक्त में बन सकती है। सिंगरौली में नदी को छलनी किया जा रहा है, यह भी आरोप लगाया गया है। हमारे सहयोगी भोपाल से राहुल राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इन रेत माफियाओं पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि इनको किसका संरक्षण है, इनको किसी का भय नहीं है कि किसान ने रोका तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अवैध माफिया बेखौफ है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आए दिन इनकी जो इनका जो उत्पात है वो देखने को मिल जाता है। कभी ये ट्रैक्टर चढ़ाते हैं तो कभी जेसीबी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर सिंगरौली का ये पूरा घटनाक्रम जो है गंगई गांव का बताया जा रहा है सामने आया, जहां पर इंद्रपाल अगरिया के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अब उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। देखिए, इस पूरे मामले में अब विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है। पहले कमलेश्वर पटेल ने गंभीर आरोप लगाए और आंदोलन की चेतावनी दी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर। अब जीतू पटवारी ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया है और चेतावनी दी है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है और अब इस पूरे मामले में सवाल आपके पास लौटती हूं। हमारे पास कांग्रेस पार्टी पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र पटेल जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सिंगरौली वाली घटना सुनी होगी आपने, एक खनन माफिया ने किसान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। कभी कभी मध्य प्रदेश में ऐसा लगने लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कहीं ना कहीं माफियाओं की और अपराधियों की सरकार हो गई। आज एक गरीब आदिवासी व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी मृत्यु हो जाना, अब विषय ये नहीं है कि उस ट्रैक्टर चालक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। विषय तो ये होना चाहिए कि ये रेत माफिया जो खनन करवा रहा था उनके ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करती है, और जब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगी, ये घटनाएं मध्य प्रदेश में आम हो गई हैं, शर्मनाक घटनाएं। शर्म से हमारा सिर झुक जाता है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। अपराधी बेखौफ मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, उन्हें शासन और प्रशासन का डर नहीं है। और ये जब हो रहा है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कहीं ना कहीं गृह मंत्री हैं और पुलिसिंग उनके हाथ में है, और ये पुलिस बेकाबू हो रही है और कहीं ना कहीं इन माफियाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से उठाएगी इस मुद्दे को, क्योंकि कमलेश्वर पटेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, वो कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में हो सकता है कि आंदोलन की स्थिति बने इस मुद्दे पर।
अगर देखिए एक मृत्यु के बाद क्या न्याय देंगे आप अपराधियों को? अगर आप सजा सिर्फ ट्रैक्टर चालक के ऊपर आप कोई कार्रवाई कर या उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके इतिशी कर देंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जब तक उस माफिया कौन है, किसके इशारे पे ये काम हो रहा था, किन किन अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा था, ये पूरा नेक्सस बनता है, इसको नहीं तोड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। और निश्चित रूप से कमलेश्वर पटेल उस इलाके से हमारे नेता हैं, उन्होंने बात कही है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ट्वीट किया है, पूरी पार्टी इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ जाकर खड़े होंगे। हमारी वहां स्थानीय इकाई है, वो लोग जाकर मिलेंगे, पूरी स्थिति की जानकारी लेंगे और उसके बाद हम यथोचित जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो हम लोग कर सकते हैं वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शैलेंद्र पटेल जी, बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि इन खनन माफियाओं को संरक्षण किसका है, किसकी वजह से इन्हें जरा सा भी खौफ नहीं है पुलिस का? क्योंकि अगर किसान ने रोका और उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, इसे समझ रहे हैं आप मानसिकता? मतलब कोई डर है ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। मनु जी, मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ ट्रैक्टर चालक के ऊपर आप करेंगे तो काम नहीं चलेगा, देखना है कि इनके ऊपर कौन है। और जिस तरीके से अपराधियों की और प्रशासन और जो कई सरकार में लिप्त लोगों की जो एक नेक्सस बना हुआ है, ये नेक्सस इस तरह के अपराध बढ़ा रहा है। जब सैया भय कोतवाल को डर गाय का ये कहीं ना कहीं कहावत चरितार्थ होते दिख रही है कि जब शासन और प्रशासन का अगर आपको सहयोग है, उनकी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, तो आप किस तरीके से अपराध को रोक पाएंगे? वो बैकऑफ ये तरीके से काम कर रहे हैं और इस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। और ये सिंगरौली की घटना में अगर पीड़ित परिवार को न्याय जदि मिलेगा कि सिर्फ ट्रैक्टर चालक ही नहीं, कौन अधिकारी इसके लिए वहां पर है, कौन वहां पर माइनिंग के अधिकारी हैं, कौन वहां पे किन सरकार में लिप्त लोगों का उसमें है, किन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ठेका है, ये सब तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है और इन सब पे कार्रवाई होगी, तभी जाके ये कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। शैली जी, ये नेक्सस टूटेगा कैसे? क्योंकि ये सिंगरौली का एक मामला नहीं है, समय समय पर अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आती रही हैं, खनन माफियाओं का आतंक देखा जाता रहा है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, ये तो एक आम आदमी, जब तहसीलदार के ऊपर, पटवारियों के ऊपर और कई बार अन्य लोगों के ऊपर घटना, मैंने कहा है कि जब तक सरकार इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो हो ही नहीं रही है, कहीं ना कहीं संलिप्तता दिख रही है। और जब सैया भय कोतवाल तो ये चीजें रोकथाम नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश की क्या इमेज बन रही है देश के अंदर? मोहन यादव जी को चिंता नहीं है, वो ब्रांडिंग में लगे हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी इसीलिए इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रही है। अभी उज्जैन में इस चीज को लेकर हुआ था, भिंड में हुआ था और जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं, हम विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं और निश्चित रूप से ये जन आक्रोश है, एक आम विषय। ठीक है शैलेंद्र जी, आप रहिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी जुड़ गए हैं। मिलन जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मिलन जी, क्या हो रहा है सिंगरौली में? खनन माफिया ने एक किसान पर इसलिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया क्योंकि किसान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। देखिए, विषय संज्ञान में सरकार क्या है, पंजीबद्ध भी किया गया है और कार्रवाई भी कर रही है। इस प्रकार के कोई भी घटना को सरकार संज्ञान में लेके बहुत संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ कार्रवाई पहले भी करती आई और इस मामले को लेकर भी कर रही है। अब जो राजनीति करते आए हैं वही तो अपराधियों के संरक्षण करता रहे हैं। इससे पहले भी जो छतरपुर की घटना हुई, जिसमें थाने में कानून व्यवस्था को धता दिखाते हुए किस प्रकार से हमला किया गया, उनको बचाने के लिए कौन खड़ा है? यही विपक्षी तो खड़ा है, यही कांग्रेस पार्टी खड़ी है। नहीं मिलन जी, सवाल एक ये भी है ना कि डर क्यों नहीं है? खनन माफियाओं में डर क्यों नहीं है? किसका संरक्षण मिल रहा है? पार्टी खुलेआम घूम रही है, इन पर प्रश्न उठता है। मिलन जी, आपने सवाल सुना मेरा? जी बोलिए। खनन माफियाओं में डर क्यों नहीं है, किसका संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरा नेक्सस काम कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस प्रकार के जैसे ही छुटपुट मामले आते हैं, सरकार बहुत सख्ती के साथ, तत्परता के साथ कार्रवाई करती है और इनको निस्तनाबूद करने का काम किया है। सरकार ने पहले भी किया और इस मामले को लेकर भी कर रही है। मिलन जी, सिर्फ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सिर्फ ट्रैक्टर चालक पर केस करने से कुछ नहीं होगा, ये जो पूरी चेन है, ये जो पूरा नेक्सस है, इसको तोड़ना होगा। ये नेक्सस में तो कांग्रेस ही शामिल है। कांग्रेस के नेता खुलेआम जिस प्रकार से संरक्षण करता रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद करते हैं। मैं आपको छिंदवाड़ा की छतरपुर की घटना बता रहा था अभी, किस प्रकार से अपराधियों को लेकर खुलेआम कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया और वो पत्थरबाजों के पक्ष में खड़ी रही। इसी प्रकार जितने भी मध्य प्रदेश में माफिया हैं, वो कांग्रेस छोटा सा काउंटर शैलेंद्र जी आप इस पर दे दीजिएगा। और कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके से कर रही, तो ये क्या चूड़ी पहन के बैठे हैं सरकार में? कानून तो इनके हाथ में,
गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं और मेरे साथी मिलन जी कह रहे हैं कि छुटपुट घटनाएं, किसी की हत्या होती तो छुटपुट, वो कह रहे कि अपराध पंजीबद्ध, तो पंजीबद्ध जब मृत्यु हो जाएगी, कोई मर जाएगा और उस पर FIR लिख ली जाएगी तो उपलब्धि मानते हैं। तो अगर FIR को उपलब्धि मानने लग जाएगी तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे मनु जी। ठीक है शैलेंद्र पटेल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और राहुल आपका भी शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर अपराध का ग्राफ दिन दोगुना रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक अपराधी बेलगाम है। रायपुर में बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया, वहीं कारोबारी पर मिर्च डालकर हमला बोला। वहीं गरियाबंद में तीन जगह चाकूबाजी की घटना सामने आई है। चार अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा की भी आखिरी तस्वीर देख लीजिए, जहां पर बदमाशों ने 8 साल के बच्चे का अपहरण किया है। तो ये चार अलग अलग तस्वीरें छत्तीसगढ़ में किस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, इन चार अलग अलग तस्वीरों में देख लीजिए आप। और ये चार तस्वीरें महज बानगी भर है, रोज हर रोज अपराध की नई नई खबरें सामने आ रही हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लूट, टू व्हीलर लूट कर भागे हैं बदमाश। ठीक से वाहन नहीं चला रहे कहकर लूट कर ली। बदमाश ने युवक के साथ मारपीट भी की है। तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो टू व्हीलर लूट कर भागे हैं बदमाश, और ये बताया जा रहा है कि जिस पीड़ित से उन्होंने वाहन चोरी किया, वाहन लूटा, उसको यह कहा गया कि तुम ठीक से वाहन नहीं चला रहे हो, और यह कहकर बदमाश उस टू व्हीलर को लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं राजधानी रायपुर में ही ई रिक्शा चालक से लूट, ई रिक्शा लूटकर फरार हुए लुटेरे पीड़ित से मोबाइल और नकदी भी लूटी है। सवारी बनकर राज तालाब तक गए थे लुटेरे। शिकायत के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ई रिक्शा की लूट हुई है। ई रिक्शा लूटकर फरार हुए हैं लुटेरे, और साथ ही साथ जो ई रिक्शा चालक था उससे मोबाइल भी लूट लिया, और जितने उसके पास पैसे थे वो भी लूटकर वहां से फरार हो गए। अपराध का गढ़ बनती राजधानी रायपुर, एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। रायपुर में युवक पर चाकू से हमला किया गया है। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया है और नाबालिग फरार है। अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। टिकरापारा क्षेत्र के मठ पुरैना इलाके की ये पूरी घटना है। वहीं रायपुर की पुरानी बस्ती में जमकर बवाल, कारोबारी और उसके भांजे पर हमला हुआ है। मिर्च पाउडर डालकर लाठी डंडों से हमला किया गया है। आरोपियों ने 2 सोने की चेन और 10,000 रुपए लूट लिए। आरोपियों ने कार में भी तोड़फोड़ की है। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया है। रोड पर साइड ना देने को लेकर यह विवाद हुआ था। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। आरोपी अवैध नशे के कारोबार को लेकर जेल भी जा चुके हैं, और अभी इन्हीं आरोपियों ने ही कार में जबरदस्त तरीके से मारपीट की है, माफ कीजिए तोड़फोड़ की है, जो तस्वीरों में दिख रहा है। रोड पर साइड ना देने को लेकर यह विवाद हुआ था। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई है इस मामले में। वहीं गरियाबंद में चाकूबाजी की वारदात, 3 अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी हुई है। बदमाशों ने चाकू और रॉड से हमला किया है। मामूली कहासुनी में विवाद हुआ था और हमले में करीब 6 लोग घायल हुए। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। राजिम थाना और नवापारा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। 3 अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बदमाशों ने चाकू और रॉड से हमला किया है। मामूली कहासुनी में ये विवाद हुआ था। दंतेवाड़ा में मासूम के अपहरण से हड़कंप मच गया। 6 महीने के मासूम का किडनैप हुआ। 2 बाइक सवार बदमाशों ने किडनैप किया। पोदुम गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो दंतेवाड़ा से एक खबर है, जहां पर एक मासूम का अपहरण कर लिया गया। 6 महीने का मासूम है। 2 बाइक सवार बदमाशों पर आरोप लगा है किडनैपिंग का। पोदुम गांव की यह घटना है। आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से अभी की जा रही है।
तो छत्तीसगढ़ में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। हमने आपको अकेले राजधानी रायपुर से ही तीन अलग अलग खबरें दिखाई हैं, जहां पर कहीं पर तोड़फोड़ की गई है तो कहीं पर मारपीट की गई है। हमारे सहयोगी राजेश निषाद रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, हमने तमाम खबरें दिखाई अपराध की, उनमें सब में एक चीज कॉमन है कि पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कैसी जांच कर रही है कि अपराधियों में जरा सा भी खौफ नहीं है। पिछले 10 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो गई, लेकिन कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनु, यही वजह है कि राजधानी वासी खौफजदा है। खौफ ऐसा है कि अब थाने का भी घेराव कर रहे हैं। हमने तस्वीरें देखी और जी मीडिया ये तस्वीरें भी लगातार दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पुरानी बस्ती थाने में बड़ी तादाद पे जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और आक्रोश सीधे तौर पे पुलिस को लेकर के दिखा भी रहे हैं, जता भी रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं राजधानी रायपुर में निकल के सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक छात्र के ऊपर चाकूबाजी से हमला हुआ, हाल ही की वो घटना है। अब उसके बाद ई रिक्शा चालक, जो एक सवारी समझ के जिन्हें बैठाया था, वो बदमाश निकले और उन्होंने न केवल ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की बल्कि उसके मोबाइल भी छीन लिए गए और उसके ई रिक्शा को भी लूट के फरार हो गए। दूसरी घटना डीडी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पे टू व्हीलर के साथ मारपीट की जाती है और उनका टू व्हीलर लेके भी बदमाश फरार हो जाते हैं। तीसरी जो घटना है वो पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों द्वारा एक राय होकर के कारोबारी को पीटा जाता है बुरी तरह से और साथ साथ उनके जो भांजे उनके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि इस घटना को अंजाम देने वाले जो अवैध तरीके से जो नशे का कारोबार करते हैं और इस मामले में जो कई बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं, ऐसे लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक और जो घटना है वो टिकरापारा थाना क्षेत्र के मठपुरैना की बताई जा रही है, जिसमें एक नाबालिग ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है और लगातार ऐसे केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। और एक ताजा जानकारी तो ये निकल के आ रही है कि सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में फिर चाकूबाजी की घटना हो गई है। ये अभी की मैं जानकारी बता रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि राजधानी में किस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और बिल्कुल अभी जैसा आपने बताया राजेश कि दिन दहाड़े बदमाश चाकू लेकर घूम रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से जो घटनाएं आ रही है, देखिए दो लूट की घटना हुई है, ये दोनों ही लूट के, चाहे वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला हो या डीडी नगर थाना इलाके का मामला हो, दोनों ही मामले के लुटेरे अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। जो पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में जिस तरह से जो घटना हुई है, जिसे लेकर के आक्रोशित लोग थाने का कल देर रात तक घेराव किए थे, वो भी आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र के मामले में चूंकि अब जो जानकारी निकल के आ रही है कि एक जो नाबालिग है उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है, मतलब एक सफलता पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन बाकी मामले में पूरी तरह से पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि लुटेरे ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, लूट के फरार हो जा रहे हैं ऑटो, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है। खबरों से तो ऐसा लग रहा है राजेश की राजधानी रायपुर की पुलिस तो कंबल ताने सो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आम आदमी कितना परेशान है और आम आदमी की जान कितनी खतरे में है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए राजेश। वही मैयर से खबर है, सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिक की मौत हुई है, लापरवाही के चलते श्रमिक की जान गई, मौत के बाद श्रमिकों ने हंगामा किया है, प्रबंधन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है, धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। मैयर से खबर है जहां पर सीमेंट फैक्ट्री में एक श्रमिक की मौत हो गई है और उसके बाद कुछ श्रमिकों ने हंगामा भी किया है, क्योंकि इनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लापरवाही की वजह से ही इस श्रमिक की जान गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीमेंट फैक्ट्री में एक श्रमिक की मौत हो गई, उसके बाद बाकी श्रमिक भड़क गए और मौके पर जबरदस्त तरीके से यहां हंगामा किया गया। हमारे सहयोगी नजीम सौदागर इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बाइट सुन लेते हैं। भाई
ड्यूटी पर आपका किसी को बात नहीं है सर, हमारे काम है वो बंदा। लापरवाही के आरोप ये श्रमिक लगा रहे हैं और क्या अभी भी वहां पर हंगामा हो रहा है? देखिए मनु, बिल्कुल बता दूं, यहां पर एक बड़ी चूक है। जिस तरह से सीमेंट प्रबंधन पर श्रमिकों की जिम्मेदारी होती है, वहां मौत होने के बाद भी तथ्यों को छुपाया जाता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मौत के बाद जब हंगामा हुआ तो किस तरह से प्रबंधन धमका रहे हैं। यहाँ पर ये जो चूक है ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार यहाँ पर जो है ऐसे मामले सामने आए हैं, कई मौतें हुई हैं। बीते एक हफ्ते पहले एक मौत हुई थी, उसके बाद सीमेंट प्रबंधन द्वारा तत्काल चिकित्सक सुविधा उपलब्ध ना करा करके 100 किलोमीटर दूर अस्पताल में उसको भेजा गया, यानी कि मरीज को इतना दूर भेज दिया जाता है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, उसके बाद ही परिजनों को जानकारी नहीं दी जाती है। कल देर रात के पूरा मामला है, जिस तस्वीरों को जो है एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाया और उसके बाद हंगामा भी किस तरह से हुई ये भी सभी दर्शकों ने देखा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भारी पुलिस प्रशासन, सभी पुलिस भैया जिला प्रशासन का बल यहाँ पर पहुंचा है और श्रमिकों को समझाइश दे रहे हैं, मगर आज दिनांक तक ये जो पीछे मेरे देख सकते ये फैक्ट्री है, इसके प्रबंधन पर कोई भी कहीं से कहीं तक कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। लगातार श्रमिक इनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। ठीक है नसीम सौदागर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।